अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ पीएफ हॉस्पिटल इस्लामाबाद में हम सब ने वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया है। हर 17 मई को पूरी दुनिया में ये दिन इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि अवामुन्नास में, आप में, हम सब में हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर के मुतालिक आगही फैलाई जा सके। हम सबको ये मालूम होना चाहिए कि हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है। आम तौर पे ये कहा जाता है कि 120/80 यानी ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 120 और नीचे वाला या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 होना चाहिए। इन दिनों में जबकि ब्लड प्रेशर, शुगर और टेंशन, स्ट्रेस, मोटापा, ये तमाम चीज़ें तेज़ी से बढ़ रही हैं, तो हमें बहुत ज़रूरी है कि अपने ब्लड प्रेशर का सबसे पहले तो इल्म हो कि आपका ब्लड प्रेशर क्या है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपको ब्लड प्रेशर का इल्म नहीं होता, और जब कभी आप कोई दांत निकलवाने जाते हैं या आप किसी ऑपरेशन के लिए जब अस्पताल पहुँचते हैं और आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है तो अचानक मालूम होता है कि आप तो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, और इसी वजह से इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। सो मैं इस बात पे तवज्जो दिलानी चाहूँगी कि सबसे ज़रूरी है कि आप अपना ब्लड प्रेशर घर पर बड़े आराम से इसको मेजर कर सकते हैं। आजकल डिजिटल बीपी ऑपरेटर्स मौजूद हैं, आप उनका इस्तेमाल करें और अपना ब्लड प्रेशर जानिए। अगर ब्लड प्रेशर आपका हाई रहता है तो उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। एक और बहुत ज़रूरी बात यह है कि खुराक और एक्सरसाइज, ये दो वो चीज़ें हैं जिन पर अमल करके आप बहुत आसानी से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर की दवाइयों का इस्तेमाल हम उस वक्त एडवाइस करते हैं अगर किसी का ब्लड प्रेशर सिर्फ खुराक के और एक्सरसाइज से ना कंट्रोल हो रहा हो, लेकिन यकीन जानिए कि हाई ब्लड प्रेशर का इलाज बर वक्त बहुत ज़रूरी है, ताकि ये ब्लड प्रेशर की वजह से आपका हार्ट फेलियर और दिल की बीमारियाँ वो ना हो सकें। हाई ब्लड प्रेशर आपके दिल, दिमाग और गुर्दे तीनों को मुतासर कर सकता है, इसलिए इसको मैयर करें, इसको बर वक्त इलाज करें, अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। शुक्रिया।